मुख्तार अहमद, मेरी लड़की शोएबा शेख, ये 10 महीने के बाद, 9 महीने के बाद में इसको बुखार आया था। बुखार आने के बाद इसको ब्रेन के अंदर, ब्रेन में बुखार चला गया तो फीट की वजह से झटके आने लगे। झटके आने के बाद इसको ट्रीटमेंट किया गया, ट्रीटमेंट से थोड़ी ठीक होती गई। होने के बाद फिर एक जब पैर चलने लगी है तो पैर चलते चलते फिर लंजिंग होती थी, बॉडी में बड़ा लंजिंग होता था इसके, लेकिन बुखार के झटके इसको फिट के ऐसे 1-2 साल 3 साल तक आते रहे। उसके बाद जब ये स्कूल जाने लगी 5 साल, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड स्कूल गई है अपने हाथ से, लेकिन लंजिंग करते हुए जाने के बाद में अब ये चल नहीं सकती, बहुत तकलीफ है इसको चलने में, खुद अपने बैलेंस से नहीं चल सकती है। पहले अपने बैलेंस से चलती थी लेकिन कम चलती थी, अब बिल्कुल भी नहीं चलती है। ये बात अभी इसको खांसी सर्दी, खाना तो खाती नहीं बिल्कुल, खांसी सर्दी 12 महीने रहती है इसको, और खाना बिल्कुल खाती नहीं, थोड़ा एक घास खाती है एक टाइम पे बस, बाकी और जैसा खाना ज़्यादा खा लेगी तो इसको जब खांसी आती है, खांसी में ओबिटिंग होती है तो कब बनता है सर, इसे कब बनता है ये। नाम बताओ। कहाँ रहते हो आप? गोंदिया में। स्कूल जाते हो? नहीं। पहले जाते थे? हाँ। अभी आपको क्या तकलीफ होती है? कभी से?